सो गाइस, आज है हमारे पास यहाँ RC 200 नया वाला मॉडल और इसका हम करने वाले हैं माइलेज टेस्ट। तो हम एक लीटर पेट्रोल की बोतल लेकर टहल रहे हैं, लेकिन हम यूज़ करेंगे आधा लीटर ही। क्यों? क्योंकि फिर एक लीटर बहुत ज़्यादा चलाना पड़ जाता है। हर बार मैं करता हूँ, बहुत ज़्यादा चलाना पड़ जाता है। सो आज हम एक लीटर पेट्रोल से नहीं करेंगे माइलेज टेस्ट। हमने पूरा एक लीटर पेट्रोल ले रखा है और आधा इसमें डालेंगे, फिर माइलेज टेस्ट कर लेंगे, फिर दोबारा यूज़ कर लेंगे पेट्रोल और फिर पेट्रोल पम्प तक पहुँच जाएंगे। सो अभी हमारा पहला टास्क है कि इसका पेट्रोल ख़त्म करना। लो फ्यूल तो दिखा रहा है लेकिन पेट्रोल बिल्कुल ख़त्म नहीं है, और पेट्रोल ख़त्म होने के बाद ही हम इसका माइलेज टेस्ट कर पाएंगे। और आप लोग को एक डिस्क्लेमर दे दूं मैं कि FI बाइक्स में कम से कम 3 लीटर पेट्रोल रखिए आप लोग, ताकि FI सिस्टम को कोई नुकसान ना हो। मैं सारी गाड़ियों में सिर्फ एक बार ऐसा करता हूँ जब माइलेज टेस्ट कर रहा होता हूँ, उसके बाद सारी गाड़ियों में फ्यूल फुल होता है। सो आज हम इसका टेस्ट करेंगे और जैसे ही हमें माइलेज का पता चल जाएगा, वापस से पेट्रोल टंकी हो जाएगी फुल। तो अभी यहाँ से चलते हैं और इसका पेट्रोल जो है वो ख़त्म करते हैं फटाफट। सो हम निकल चुके हैं लो फ्यूल के साथ और इसको थोड़ा सा भगा लें यहाँ पे, ताकि पेट्रोल जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाए। सिटी में तो जल्दी ख़त्म हो नहीं पाएगा, तो हम एक्सप्रेसवे पे ही जल्दी से जल्दी ख़त्म करेंगे इसका पेट्रोल। सो फाइनली गाइस, बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो गया और बाइक पेट्रोल छोड़ रही है अब, बस कभी भी रुक सकती है। जी हाँ, लीजिए, बाइक रुक गई। तो अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है बिल्कुल। और हम सबसे पहला हमारा जो टास्क होता है कि इसका जो मीटर होता है वो ज़ीरो कर देते हैं। तो फ़ोन के कैमरे से मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ ताकि आप लोग देख सको अच्छे से, क्योंकि GoPro में सही से आ नहीं पाता है। हाँ, फोकस लीजिए, ये देखिए ट्रिप यहाँ पे है 16 किलोमीटर जो दिखा रहा है, इसको हम ज़ीरो कर देते हैं। ट्रिप ज़ीरो हो गई है, ट्रिप टू भी हम ज़ीरो कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ट्रिप जो है वो ज़ीरो हो चुकी है, और अब हमारा जो काम है कि हमें इसमें पेट्रोल डालना है। तो हमारे पास ये आधा लीटर पेट्रोल है, हम एक लीटर नहीं यूज़ कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा राइड करनी पड़ जाती है। तो आधा लीटर पेट्रोल में हम कवर करेंगे जो भी किलोमीटर कवर होंगे, और उसके बाद हम उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। फिलहाल इसको डाल देते हैं इसमें। ये आधा लीटर पेट्रोल हमने डाल दिया, इसको रख लेते हैं पॉकेट में। अब स्टार्ट करते हैं और अब चलते हैं यहाँ से। पहले हम यहाँ पे इसको सेट कर देते हैं वापस से 0 किलोमीटर। तो अब देखते हैं कि हमारी बाइक कितने किलोमीटर कवर करने वाली है इस आधे लीटर पेट्रोल में। तो जितना भी जाएगी देखते हैं। वैसे कंपनी क्लेम करती है 35 किलोमीटर कि एक लीटर में 35 किलोमीटर जाएगी, बट जितना क्लेम होता है वो सब उतना आता नहीं है कभी ऑन रोड पर, तो उससे थोड़ा बहुत कम ही आना चाहिए। अब देखते हैं कितना जाती है। फ्यूल रेंज वैसे 30 किलोमीटर दिखा रहा है। अबे भाई, फ्यूल रेंज 30 किलोमीटर दिखा रहा है इसमें, तो क्या बात है। आधे लीटर में अगर 30 किलोमीटर ये जाने लगे तो फिर तो 60 हो गया, थोड़ा सा दिक्कत है। और हम इकोनॉमी मोड में चलेंगे, मतलब 70-75 तक चलेंगे। हम इस टाइम एक्सप्रेस वे पे हैं और भीड़ भाड़ में नहीं है, भीड़ भाड़ में थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो 70-75 पे चलने के बाद यहाँ पे टेस्ट करेंगे, थोड़ा ईजीली हो जाएगा हमारे लिए भी और आपके लिए भी। भीड़ में थोड़ा और कम हो जाएगा, और ज़्यादा ट्रैफिक में जाएंगे तो बहुत कम हो जाएगा, 20 तक माइलेज चला जाता है कभी कभी। आरसी की कई सारी आरसी और ड्यूक चलाया है मैंने, तो उसमें ऐसा सीन होता है। तो हाईवे पे एक बार टेस्ट करते हैं और देखते हैं क्या माइलेज आता है। बाकी अगर हम इसकी बात करें कि बाइक की कम्फर्टेबल क्या है, तो भाई कम्फर्टेबल तो अलग लेवल है, परफॉर्मेंस अलग लेवल है, बस जो इसका आगे का फ्रंट का डिज़ाइन है ना, बस यही नहीं अलग लेवल है, बाकी सारी चीज़ें इस बाइक में एकदम अलग लेवल हैं, एकदम मज़ा आ जाए। तो 1.4 किलोमीटर हो गया है,
80 तक जा रहा हूँ मैं फिलहाल, सिक्स्थ गियर। बाकी इसका हैंडल बार अपराइट होने की वजह से काफ़ी कंफर्टेबल है, मतलब बहुत ज़्यादा हैक्टिक नहीं है मेरे लिए। मुझे बहुत ज़्यादा नीचे होता है, जैसे R15 में है तो दिक्कत हो जाती है, बट इसका थोड़ा सा हैंडल बार ऊपर है तो जिसकी वजह से मतलब RS वाला फील आ रहा है। जैसे RS चलाता हूँ तो हैंडल बार ऊपर है उसमें, वैसा ही फील आ रहा है। बाकी बाइक में भाई ब्रेक तो एक नंबर है, गजब ब्रेक है, और बाकी सारे जो पार्ट्स लगे हैं वो एक प्रीमियम क्वालिटी के लगते हैं। और इस बार इसका जो TFT डिस्प्ले दिया गया है ये भी गजब ही है, बट यहाँ पे अगर कलरफुल डिस्प्ले होता तब तो फिर कहानी बदल जानी थी। और RC मतलब KTM ने जो एक चीज़ किया है ना कि इतने सारे चीज़ दे दी और प्राइस बढ़ाया ही नहीं, प्राइस सेम वही रखा पुरानी वाली RC 200 का, तो ये काम बहुत ही बढ़िया किया है KTM ने, जिससे आपके पास इतने सारे अपग्रेड्स आ जाते हैं बिना पैसे एक्स्ट्रा खर्च किए। बाकी सारी बाइक्स जो होती हैं जब अपग्रेड लॉन्च करती हैं तो उसमें क्या होता है कि कुछ ना कुछ पैसा ज़रूर बढ़ा देती हैं, लेकिन KTM ने ऐसा नहीं किया है, तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। तो हमने बहुत ही शुभ मुहूर्त जो है वो कंप्लीट कर दिया है, 11 किलोमीटर हमारी बाइक ने कवर कर दिए हैं और 11.1 हो गया 111। तो बाकी देखते हैं क्या रेंज, एक दिक्कत है थोड़ी सी, फ्यूल रेंज जो है वो थोड़ा सा गलत दिखा रहा है, 60 किलोमीटर दिखा रहा है। बहुत ही आराम से चल रहा हूँ, 70-80 के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अभी नई बाइक है तो इसीलिए फ्यूलिंग ज़रूरी है बाइक में, कि फ्यूल होना चाहिए एटलीस्ट 3 लीटर, बट हमें माइलेज टेस्ट करना है तो इसीलिए हमने खाली किया है इसको। बट जैसे ही इसका माइलेज टेस्ट हो जाएगा कंप्लीट, टैंक हो जाएगा इसका फुल, और उसके बाद 3 लीटर से नीचे कभी पेट्रोल नहीं रखेंगे ताकि FI सिस्टम को कोई हार्म ना हो। बाकी तो बाइक बहुत ही रिफाइंड है, बहुत बहुत ज़्यादा रिफाइंड है। 12 किलोमीटर हो गए हैं। बाकी कुछ चीज़ें इस बाइक में ऐसी हैं जो मैं आपको रिव्यू में बताऊंगा आगे आने वाले। 196 किलोमीटर कवर हो गए हैं तो कम से कम 200 किलोमीटर कवर करने का रिव्यू तो मैं दे ही सकता हूं आपको। नॉर्मल रिव्यू अगर मैं करूंगा तो बाइक मिली मैं रिव्यू कर रहा हूं, वो रिव्यू नहीं होता है ओरिजिनल में, उसमें हमने बाइक की परफॉर्मेंस टेस्ट नहीं की, बाइक को लॉन्ग राइड्स पे टेस्ट नहीं किया, बस गए सीधा उसके बारे में बता दिया, तो वो रिव्यू जो होता है ना वो मज़ेदार नहीं होता है, और वो हमारा रियल रिव्यू नहीं कह सकते हम उसे, क्योंकि हमें आधी चीज़ें बाइक के बारे में पता ही नहीं होती हैं। हम स्पेक्स जो पढ़े लिखे स्पेक्स होते हैं वो आपको बता देते हैं। सो इस बाइक का रिव्यू मैं आपको बिल्कुल फुल फ्लैश दूंगा, और ऐसा रिव्यू दूंगा ना कि मज़ा आ जाएगा। और रिव्यू में मैं आपको बताऊंगा कि बाइक आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, लेनी चाहिए तो क्यों लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए तो क्यों नहीं लेनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी 13.4 किलोमीटर डन कर दिए हमने और बाइक अभी भी पेट्रोल बिल्कुल छोड़ नहीं रही है, बढ़िया से चल रही है। ओहो, बाइक ने कर दिए हैं कवर 15 किलोमीटर, मतलब कि 30 का माइलेज आ चुका है, आधे लीटर पेट्रोल में 15 किलोमीटर हम जा चुके हैं और अभी भी बाइक पेट्रोल छोड़ नहीं रही है, बिल्कुल बाइक चले जा रही है। तो देखना यही है कि क्या 35 का माइलेज आ पाता है जो कंपनी क्लेम कर रही है या नहीं आ पाता है। अब बाइक पहुंच चुकी है 16.3 किलोमीटर, मतलब कि आप कह सकते हो वो 32-33 का माइलेज आ चुका है, और अब बाइक हल्का हल्का पेट्रोल लैग कर रही है, छोड़ रही है, तो बाइक में कभी भी पेट्रोल पूरा ख़त्म हो सकता है, मतलब 35 के आसपास माइलेज बाइक दे रही है, अगर कंपनी क्लेम कर रही है तो 35 के आसपास माइलेज आ रहा है। और इसी के साथ हमने कवर कर दिए हैं 200 किलोमीटर, ओडोमीटर कंप्लीट हो चुका है 200 किलोमीटर, 16.7, 16.8, देखते हैं बाइक कितना देती है। और ये 17, इसी के साथ 17 2 34 का माइलेज आ चुका है और बाइक बंद भी हो गई हमारी। अब एक स्टार्ट और ले लेते हैं, देखते हैं शायद स्टार्ट हो जाए, अगर नहीं होती तो ज़्यादा फोर्स नहीं करेंगे क्योंकि FI है तो FI सिस्टम को ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। स्टार्ट हो गई, फिर बंद हो गई। भाई लग रहा है 35 का माइलेज ये कंप्लीट कर नहीं पाएगी, 17.4, बस थोड़ा सा और चलना है और 35 का माइलेज हो जाएगा कंप्लीट, समझ रहे हो जो कंपनी कह रही है।
ओके तो 17.4 का माइलेज आ चुका है यहाँ पे। यहाँ पे आप देखिए 17.4 का माइलेज आ चुका है, मतलब अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको 17.4 मल्टीप्लाइड बाई 2 34.8, मतलब 35 का कंपनी क्लेम कर रही है, तो 35 के आसपास आपको इसका माइलेज मिलने वाला है। लेकिन अगर आप रैश ड्राइविंग करते हो बहुत ज़्यादा, मतलब सिटी में ट्रैफिक में ड्राइव करते हो, तो डेफिनेटली ये जो माइलेज है ये कम हो जाएगा आपका। और मुझे ऐसा लगता है, पर्सनल ओपिनियन है, कि 25 to 30 के बीच में ये माइलेज आ जाएगा। सो आई होप आपको अब पता चल चुका है कि RC जो आपकी है नई वाली 200 वो कितना माइलेज दे रही है। सेम माइलेज आ रहा है जो मेरी RS का आ रहा है, और मुझे उम्मीद थी कि शायद थोड़ा सा अपग्रेड हो, क्योंकि RC 390 का लास्ट टाइम जब मैंने चेक किया था तो उसका भी 35 के आसपास आया था, और RC 200 का भी अगर 35 के आसपास आया तो सेम, मतलब इंजन की पार देखो कि आप उतनी ज़्यादा पार के साथ भी सेम माइलेज दे रही है और कम पार के साथ भी सेम माइलेज दे रही है। तो ये चीज़ है, थोड़ा सा ज़्यादा माइलेज होना चाहिए था, बट यहाँ पे आपको माइलेज थोड़ा सा कम मिलने वाला है अगर आप RC ले रहे हो तो। बाकी उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो क्या करना है, लाइक करो फटाफट, और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लो, फॉलो करो इंस्टाग्राम पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, राइड हार्ड राइड सेफ।